नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। इन दिनों नोबेल पुरस्कार खास चर्चा में है, तो इस बार विज्ञान के रोचक किस्से में आज हम बात करेंगे अमेरिकी भौतिकविद जॉन बार्डीन की, जिनको दो बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले और भी कई लोग हैं, जैसे मैडम क्यूरी और पॉलिंग, लेकिन एक ही विषय में दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जॉन बार्डीन को 1956 में और 1972 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन बार्डीन का पहला नोबेल प्राइज 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए विलियम शाकले और वॉल्टर ब्रेटन के साथ दिया गया था। उनके इस आविष्कार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। ट्रांजिस्टर को अक्सर 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आविष्कार के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन जॉन बार्डीन के पहले नोबेल पुरस्कार समारोह से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, और उस रोचक किस्से का संबंध उनके दूसरे नोबेल पुरस्कार के साथ जुड़ा हुआ है, और आज हम आपको उसी रोचक किस्से के बारे में बताने वाले हैं। असल में नोबेल पुरस्कार समारोह की परंपरा है कि व्यक्ति को पुरस्कार लेने के लिए समारोह में सपरिवार जाना होता है, और स्टॉकहोम में यह पुरस्कार स्वीडन के राजा द्वारा दिए जाते हैं। तो 1956 में भी इसी परंपरा के तहत पुरस्कार वितरण किए जा रहे थे, और जब जॉन बार्डीन राजा से अपना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे तो राजा गुस्ताफ एडॉल्फ ने उन पर व्यंग कसते हुए कहा कि आप सपरिवार नहीं आए। दरअसल बार्डीन अपने तीन बच्चों में से सिर्फ एक को ही लेकर समारोह में पहुंचे थे। राजा एडॉल्फ के इस व्यंग की बात का बड़े ही सहज भाव से जवाब देते हुए जॉन बार्डीन ने कहा कि ठीक है, अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा और सपरिवार ही आऊंगा। खास बात यह है कि उस वक्त बार्डीन की इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, बस बातों में ही टाल दिया। लेकिन शायद बार्डीन ने अपनी कही बात को काफी गंभीरता से लिया था, और इसलिए 16 साल बाद यानी 1972 में बार्डीन एक बार फिर स्टॉकहोम पहुंचे, और नोबेल पुरस्कार समारोह की परंपरा के अनुसार इस बार वो सपरिवार थे, क्योंकि उन्हें दूसरे नोबेल पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। और इस बार राजा की पिछली बात को ध्यान में रखते हुए जॉन बार्डीन अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। इस बार उन्हें सुपर कंडक्टिविटी के मौलिक सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार लियोन कूपर और जॉन श्राफर के साथ संयुक्त रूप से दिया जा रहा था। वैसे यहाँ आपको जॉन बार्डीन के एकेडमिक जीवन के बारे में भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही उनकी इन उपलब्धियों की नींव थी। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पढ़ाई करते हुए गणित और भौतिकी में लगातार ही उनका काम चलता रहा। इसीलिए जब बार्डीन ने पिट्सबर्ग में गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन में जियोफिजिसिस्ट के रूप में नौकरी की तो उन्हें वहां का आसमान बहुत छोटा लगा, और वो अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गए, गणित और भौतिकी में अपना अध्ययन शुरू कर दिया, जिसने न सिर्फ उनके विचारों को नई उड़ान दी बल्कि विज्ञान की दुनिया को नए समाधान दिए। तो ये था विज्ञान का एक और रोचक किस्सा, लेकिन ऐसे ही और भी रोचक किस्सों को जानने के लिए आप न्यूज इन साइंस के नोबेल के रोचक किस्से की सीरीज भी देख सकते हैं। नमस्कार।